अमन आमन कयाम के लिए सरजमीन पाकिस्तान पर कायम और कायम है और अपना अपना फर्जा बखूबी अंजाम के लिए चले आ रहे हैं। हम शियान मोहम्मद और आल मोहम्मद पाकिस्तान की सरजमीन की हिफाजत और उसकी बका को अपने ईमान का हिस्सा तस्लीम करते हैं और तमाम तक शिया और गैर शिया मुसलमान भाइयों के मातहत अमन आमन का कयाम, भाईचारे का कयाम, अखुबत और मोहब्बत का पैगाम देना ये कल भी हुसैनियत का असर था और आज भी मिशन हुसैनियत का असर है। इंशाअल्लाह हम मिंबर की जिम्मेदारी के एतबार से और अदादारी के एतबार से अपनी हुकूमत के दस्तबाजू बनकर रहते थे और अब भी रहेंगे और दुआ को भी है कि अल्लाह करे कि ये अयाम उसी तरह अमन और अमान के तहत बसर हो जैसे खान वादे रसूल ने हमें अमन और अमान का दर्ज बख्शा हुआ है। अगर कहीं मैं अब आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर कहीं आज़ादारी के हवाले से कोई ऐसी बात हो जाए जो आपको मिजाजन नागवार गुजरे तो आपने सब का दामन हाथ से नहीं छोड़ना बल्कि इस्लाही पहलुओं को इख्तियार करते हुए आपने ये साबित करना है कि हम सैयद साबरीन के बख्शे हुए दर्द पर कल भी अमल कर रहे थे और आज भी अमल कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं दुआ मांगता हूँ कि जो जो बीमार है खुदा उन सबको सेहत कामिला अता फरमाए और हमारे नबी साहब जो इन मजालिस की बानी है जो मिजाज के सिकंदर है और दिल के कलंदर है अल्लाह उनके अहले अयाल को भी हर किस्म की वबा से और बीमारी से अमन अमान अता फरमाए। इस इदारे के सरबराह हजरत अल्लामा डॉक्टर अलहाज मोहम्मद हुसैन अकबर साहब बदर्द जियारात मुल्क इराक करबला मौला तशरीफ ले जा चुके हैं वो भी और बाकी दुनिया भर के पाकिस्तान के जायरीन जो वहाँ पहुँच गए हैं या पहुँच रहे हैं अल्लाह सबको मौला की हिफ्ज़ो अमान में रहने की तौफीक पर कायम रखे। बाबा से बुलंद सलावत साहिबान ने इल्म को मालिफत हो मोहब्बत हो मवद्दत मैंने इस वक्त आपके सामने सूरह नंबर 5 सूरह अल-माईदा आयत नंबर 35 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है जिसमें अल्लाह अपनी जबान में बेजबानी के साथ ये इरशाद फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह ऐ साहिबान ईमान हर हालत में तुम राह तक़्वा इख्तियार करो और वब्तगू इलैहिल वसीला और अल्लाह की मारिफत के हुसूल के लिए वसीला तलाश करो। एक तलाश करने का हुक्म है बनाने का हुक्म नहीं। आयत में हुक्म है कि तुम अल्लाह की मारिफत के हुसूल के लिए वसीला तलाश करो। विसाले वसूले मकबूल से लेकर इस बंधन शियाने मोहम्मद और आले मोहम्मद ने कुरान अहदीसे रसूल और फरामीन आइम्मा अलैहिस्सलाम के साए में जो इस आयत की तफसीर ताहिर की है और अब तक करते चले आ रहे हैं वो यही है कि हमेशा अल्लाह की बारगाह में वसीला उसे हम तस्लीम करते हैं जो तमाम तर मखलूकात आलम में से अफजल तरीन है।
ना सलावा एक ढीली ढीली से बात और के पढ़ दे सलावा जब भी पुकारता है मुझे पुकारो तो जब अल्लाह खुद हुक्म दे रहा
करो, आदत रवाई के लिए हम जो तुम्हारे इस जो का जवाब फिर वो आप दे रहा है नहीं लगेगा साहब। Come on.
रास्ते से हमने अल्लाह को बुलाना है, अल्लाह को पुकारना है अपनी मुश्किल गुशाई के लिए और अपनी हाजत रवाई के लिए। तो लीजिए मैं फिर मकतब तशज्जुद किताब का हवाला दे रहा हूं। किताब का नाम है बिहार अंबार, जेल नंबर 25, सफा नंबर 5, सदर नंबर 5 और 6, मतुआ पहलू दबना ध्यान वहां से लेकर ये पढ़ रहा हूं। कुरान नातिक हजरत इमाम सादिक इमाम इब्न इमाम अलैहिस्सलाम से सलावत। Oh,
मुसीबत नाजल हो तो गम में घबराना नहीं बल्कि क्या करना है, वस्ताइन बिना अल्लाह हमारे वास्ते से, हमारे वसीले से हमने अल्लाह से मदद तलब करनी है। ये कहकर आगे इमाम ने विदाहत कर दी कि ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वाह वाह कौलुल्लाह, यही तो अल्लाह का कौल है। क्या कि लिल्लाह अस्माउल हुस्ना तकबूर होते हैं, कि अल्लाह को जब भी पुकारो अस्माउल हुस्ना से पुकारो, वो अस्माउल हुस्ना से जो अदा होता है, हर लफ्ज हक है, हर लफ्ज का हक है।
को अल्लाह ना कह दो। इसके बावजूद इतने फजाइल हैं कि रसूल को फरमाना पड़ा लौका कर रिया तो अकलाम अल बहुरो बिदादन अल जिन्नो हुसाब अल इंस कुताब आस फजाइल अली के बने अबी तालिब तमाम पानी से आई बन जाए तमाम जिन्नात मुहासिब बन जाए तमाम इंसान खाते बन जाए तमाम दस अलग बन जाए खासियत खत्म होगी लेकिन अली के जिगर का चौथा हिस्सा Patek Rundah, 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 Pat
कि ये तकरीरें जो मुहर्रम के दौरान होती है, ये लंदन में, अमेरिका में और पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में तो खैर बेखसूस छह उनके चैनल थे जिनसे ये तकरीर सो 8 बजे नशर की जाती है। तो मैं बताएंगे तो हल ये कलेमात देना चाहता हूँ कि ये हमारा ईमान है, सिर्फ हमारी आदत नहीं, ये हमारा ईमान है। अली के नाम का नारा लगाना ये हम आदत हम नहीं लगाते, बल्कि हम इबादत हम लगाते। कहा गया है नंबर 7 कुरान में रसूल को क्या है
लिखे वो 1000 नाम है, लेकिन तमाम नामों में से सारे नाम सिखाती है वाहिद नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्योंकि रसूल का जाती नाम है। यही वजह है कि हजरत बीबी सफीया बिन अब्द मुत्तलिब रसूल की पुत्री मुबारका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती है, किताब का नाम सीरत रसूल आलम है, हजरत अल्लामा इलाही बख्शाब या पता नहीं कोई और नाम है, मेरे चेहरे नाम मिल गए, उनकी एक बार किताब का नाम है सीरत रसूल आलम। इसमें उन्होंने लिखा है कि बीबी फरमाती है कि जब मैंने अपने शहजादे को आपा की आगोश से लेकर अपने हाथों की जीनत बनाया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही कि इसके दोनों शामों के दरमियान जो मोहर थी उस पे पोर उभरा हुआ था और उस पे टिका हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस नाम
बाप
अदब के साथ आपको कुर्सी पे बिठाए। मैं हाथ मांगकर कहता हूं मौला, जब मदीने में आप दरबार में गए थे आप अकेले गए, आप जख्मी नहीं थे, आपके साथ लुटी पुटी सैदानियां नहीं थी, बल्कि आपके साथ जवानाने बनी हाजिर थे। लेकिन हाय कूफा और शाम का दरबार, जब आपका बेटा बीमार सजा गया तो गले में ताप, पांव में बेड़ियां, इस कदर जालिमों ने पत्थर बरसाए कि जनाबे सैयदा ज़ैनब को कहना पड़ा, शामियों हम रूम और तुर्की की कैद गुलाम कमीने नहीं है, बल्कि नहन व बनात रसूलुल्लाह, हम तो तुम्हारे रसूल की बेटियां हैं। गुफ्तगू के बाद इमाम ने जाने का इरादा किया, वली ने कहा ठीक है मौला, सब आप जो फरमाएंगे उसके मुताबिक फैसला होगा। हुसैन जाने लगे, किसी ने कब्र का इशारा किया, अभी इशारा किया ही था, इमाम ने सदा देकर कहा अल्लाह अकबर। अभी अकबर की रेखा नहीं हुई थी कि जमाना ने बनी हाजिर, मैं गुलामों दरबार का दरवाजा खोलता इस अंदाज में अंदर आए कि दरबार की जमीन में लड़का पैदा हो गया। हुसैन आगे बढ़े, दोनों हाथ अब्बास के सीने पर रखे, आंखों में आंसू भर आए, भाई का पूछ सच चुमा, चुम कर कहा अब्बास मैंने कब कहा है कि दरबार में तलवार उठा दी, चलो मेरे साथ वापस चलो। तमाम जवानों ने बनी हाशिम को लेकर तलवारों के साए में हुसैन घर के दरवाजे पर पहुंचे, अंदर से दरवाजा बंद। हालत क्या थी? इमाम की 11 बहनें, इमाम के हरम, इमाम की बेटियां, जब से मौला दरबार में गए यही के दरवाजे पर खड़े, आंखों में आंसू में सैयदा बार बार रोकर कह रही है बीबियों दुआ मांगो, अल्लाह करे मेरा हुसैन खैर से आ जाए, अगर हुसैन का एक पांव टूट गया ज़ैनब दुनिया में जिंदा नहीं रह सकेगी। इस कदर बीबियां रोई कि जमीन आंसुओं से तर हो। जब हुसैन आए दरवाजा खुला, मौला ने अंदर कदम रखा, कदम रखते ही हुसैन पर बीबी की नजर पड़ी, आवाज देकर कहते ज़ाहिर अज़ान बताओ दरबार में क्या हुआ, दरबार में क्या हुआ। इमाम फरमाते हैं बहन पहले आप बताएं दरवाजे पर कब से खड़ी हो जब तुम्हारे पांव पे बर्फ आ गए। कहा हुसैन जब से दरबार में गए हो ज़ैनब के दिल को करार नहीं आया, मैं दरवाजे पर तुम्हारे इंतजार में खड़ी हूं। रोने वालों मैं हाथ मांग कर कहता हूं बीबी आज आपने हुसैन का इंतजार दरवाजे पर खड़े होके किया, हुसैन आ तो गया लेकिन हाय करबला, जब आखिरी सलाम करके गया था बीबी आप इंतजार करती रही, बताए हुसैन के आने के एक कतमा की बात होगी दरबार में क्या था। इमाम चुपते चुपते चुपता बहन के सर का बोसा लिया, बोसा लेकर दरबार के हालात सुनाने की बजाय इमाम की आंखों में आंसू भर आए, तीन मरतबा कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहन मदीना मदीने वालों का है, हमने मदीना छोड़कर जाना है, 27 रजब का दिन गुजार कर 28 रजब की रात को जब ज़ाहरा का लाला, ज़ाहरा का नाल, ज़ाहरा का बेटा मदीना छोड़कर चलने लगा काफले को लेकर, तो चारों तरफ से मदीने से आवाज आ रही थी अलविदा अलविदा। तमाम काफला जब तैयार हो गया तो 7 साल छुरा बीमार छुरा आगे बढ़ी, बाबा के पढ़कर दामन में हाथ डाला, नहीं आवाज में कहा बाबा आप इमाम हैं, आपका हुक्म है कि सुगरा तुमने मदीने रहना है, बाबा मैं कुछ अर्ज नहीं करती, मुझे इतना बता दो कब वापस आओगे, बाबा कब पलटोगे। रोते हुए हुसैन उठे, बेटी का सर चुमा, कहा सुगरा आज के बाद खाने के मना
का चराग पूरे जलाना। हुसैन जाके वापस नहीं आए, बाबा इंतजार कब तक करूं? बेटा शांति सचिवी दस मुहर्रम का दिन, अगर इंतजार हो सके तो करना। इसी इंतजार में सात साल चुना सही था बन गया। बेटियों वालों, ये सिर्फ सागरों की चादरी नहीं, ये तारीख के टिकरे सात साल सुबह के सर के बाल सफेद हो गए, कमर छुप गई, दीवारों का सहारा लेकर चलती थी और आवाज देकर कहती थी, बाबा हो सकता है सूरा दस मुहर्रम से पहले मर जाए। साहिबा ने दिल, साहिबा ने गम, ये आपके आंसू वो आंसू है जिसके लिए सैयदा बुजुर्ग रो रो कर बाबा से पूछती रही कि बाबा मेरा जो हुसैन कर्बला में मारा जाएगा, आलम परदेश में मारा जाएगा, इसको हुसन कौन देगा, इसको कफन कौन पहनाएगा, बाबा इसके नाम पे रोएंगे कौन? रसूल ने फरमाया, बेटी घबरा ना, मैं मोहम्मद तुझे वादा करता हूँ, खुदा एक ऐसी कौम पैदा करेगा जो अपनों को भुला कर तेरे बेटे के गम का कयामत तक माफ करती रहेगी। ये उसी रसूल के वादे का असर है जो आंखों का सैलाब रुकने नहीं पाता। जनाबे सूरा कमर झुक गई, बाल सफेद हो गए, रो रो के कहेंगे, बाबा हो सकता है आपके वादे के दिन तक सूरा जिंदा न रहे, लेकिन हाय सच सच की दस मुहर्रम नमाज ज़ोहर के बाद जबकि बच्ची सोई, अभी सोई कि थोड़ी देर के बाद चीखे मार कर उठ बैठे। जैसे सूरा उठी, बीबी उम्र सलमा बढ़ी, बीबी उम्र मनीर बढ़ी, बाकी बीबियाँ हाजमिया बढ़ी, सूरा खैर तो है, कहा बीबियों खैर नहीं है। जो सूरा रो के कहा, कूफा की तरफ से जो हवा आती है नानी, कुल कुंभ के रोने की सदा आती है नानी, ना